बसमिल रखीम्स तमाम दोस्त कैसे हैं मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे खैर खरीयत से होंगे आप देख रहे हैं मैं मोदी ट्रेवल एंड टूर के यूट्यूब चैनल मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहबाल अपने चैनल में वेलकम और दीद कहता हूँ स्पेन के विज़िट वीज़ा के हवाले से एक अपडेट आपके साथ इस वक्त शेयर करने जा रही है अपडेट ये है कि आया क्या मार्च में जो विजिट वीज़ा है बंद होने वाला है क्या मलूमत है इस वक्त Uh, कुछ लोग सवाल कर रहे थे पूछना चाह रहे थे कि 2022 मार्च में विजिट वीज़ा नहीं लगेगा स्पेन इमिग्रेशन की कोई नई अनाउंसमेंट आ चुकी है इस हवाले से तमाम तर तफसीत आपके सामने रखने वाले हैं आप लोगों से गुजारिश भी है कि वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें अच्छा सब्सक्राइब करें या लाइक ना भी दोस्तों किया करें ना तो वीडियो को काइंडली शेयर तमाम लोगों तक कर दिया करें मकसद ये होता है शेयर करने का कि यार ये इन्फॉमेशन शायद आपके काम की नहीं होगी लेकिन किसी भी दोस्त के लिए हो सकती है तो आज हमें एक साहब ने मैसेज किया है आ, हमने एक वीडियो बनाई थी कि पाँच दिन में वीज़ा अप्रूव हो सकता है तो देखें यार पाँच दिन में वीज़ा नहीं अप्रूव होगा पाँच दिन में फ़ाइल आपकी तैयार होकर हम वैसे में जा सकते पंद्रह से बीस दिन में आपकी जो फ़ाइल अगर ठीक होगी तो मेरे भैया वीज़ा आपका लग के आ जाएगा ठीक है तो लिहाजा पहले तो इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि आ, आ, स्पेन सॉरी इमिग्रेशन की तरफ से ऐसी अनाउंसमेंट कोई सामने अभी तक तो नहीं आई है के विज़िट वीज़ा बंद करेंगे कोविड भी चल रहा है ओमिक्रॉन वारियंट चल रहा है लेकिन अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है कि इमिग्रेशन को बंद किया जाए क्योंकि ऑलरेडी जो पहले का कोविड है उसकी वजह से तमाम जितनी भी ममालिकग्रेशन हैं वो इस बात पर हैं कि आया हम टूरिस्ट को मज़ीद जो है इनक्रीज़ करें क्योंकि हमारी इकॉनमी जो है ख़ास करके जो आ, इमिग्रेशन या जितनी भी ट्रैवल एंड टूरिज़म के ये जो शोबे थे इनको काफ़ी नुकसान पहुँचा है तो ये कभी भी ऐसा नहीं होने वाला है इसके अलावा दोस्तों बात वही है कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन को मद्देनज़र नज़र रखना है उसको आप जो है सही फ़िलअप कराएं सही कंसल्टेंट से रबा करें और उसको सही करें अब एक साहब हमसे पूछ रहे थे कि यार हमारी एक ही मुल्क की ट्रैवल हिस्ट्री है ना तो हमारे पास एनटीएन है ना ही हमारे पास बैंक स्टेटमेंट है तो क्या हम स्पेन के यार देखें मजाक मत किया करें ट्रैवल हिस्ट्री आपके पास एक ममालिक भी हो तो कोई बात नहीं है लेकिन बैंक स्टेटमेंट और एन होना आपके पास हर हाल में होना लाजमी है ठीक है चले बैंक स्टेटमेंट भी आप बना लेंगे लेकिन एनटीएन जो है ना वो आपने जाहिर करना है भाई आखिर उनको पता लगे गोरों को कि भाई आप वाकई कोई आप जो है ना प्रोफेशनल बंदे हो और आप वाकई ना भाई जा रहे हो स्पेन तो आप ना वहाँ पर घूम फिर के वापस ही आओगे क्योंकि आपका पीछे काम है ठीक है ना तो बहुत सारी चीजों को मेरे भाई मद्नजर रखना पड़ता है तो ये, ये कुछ अपडेट्स थी कि भाई कोई परेशानी वाली नहीं है विजिट वीजा धड़ाधड़ लोग अपलाई कर रहे हैं अब कुछ लोग हैं जिनका जल्दी लगाता है कुछ लोग हैं जिनका देर से लगता है और कुछ लोगों का देर के बाद रिजेक्शन ही आ जाता है ठीक है ना ये भी एक बात है तो बहरहाल तो ये थी कुछ बातें जो आपके साथ शेयर करना लाजमी थी कोई सवाल हो क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज